नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की हुई मुलाकात, अब तक 14 बार मिल चुके हैं मोदी और जिनपिंग। दो दिग्गजों की मुलाकात पर कई मसलों पर हुई बात, दोनों पक्षों में सहयोग के आदान प्रदान पर होगी नई प्रगति। जिनपिंग और मोदी के मुलाकात से पहले कांग्रेस ने कसा तंज, कहा पीएम क्यों नहीं कहते हांगकांग पर है हमारी नजर। जिनपिंग के लिए चीन से आई बुलेट प्रूफ कारें, सुरक्षा में 9000 पुलिस बल तैनात, आसपास की दुकानें रही बंद। वर्ल्ड बैंक ने हटाया भारत के विकासशील देश का तमगा, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी मुश्किलें। सरकारी बंगला खाली करने से पहले पप्पू यादव ने उखाड़ी खिड़कियां, दरवाजे और टाइल्स भी ले गए साथ। भारतीय रेलवे ने रद्द की 150 ट्रेनें, कई ट्रेनों के बदले गए रूट। 150 ट्रेन निजी संचालन में देने का फैसला कर चुके रेल मंत्रालय, अब 50 स्टेशन निजी हाथों में सौंपने की कर रहा तैयारी। प्रियंका गांधी का सलाहकार बनने से पूर्व सांसद ने किया इनकार, कहा सुझाव देने की मेरी हैसियत नहीं। डिबेट के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने पूछा किसने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने। एयर इंडिया को तेल कंपनियों ने दिया अल्टीमेटम, कहा मासिक भुगतान करने पर ही मिलेगा ईंधन। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर आखिरी चरण में है सुनवाई, जल्द ही आ सकता है फैसला। प्रधानमंत्री मोदी के नमामि गंगे मिशन की उड़ी धज्जियां, रोक के बाद भी गंगा में विसर्जन हुई मूर्तियां। भोपाल रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों ने किया गैंगरेप, वॉशरूम में महिला को बनाया शिकार। बीजेपी कार्यकर्ता के जय श्री राम बोलते ही टीएमसी कार्यकर्ता ने मारी गोली, बीजेपी के आरोप को टीएमसी ने किया खारिज, कोलकाता का है मामला। बीच सड़क पर पुलिस वाले ने युवक की बेरहमी से की पिटाई, कांस्टेबल जीतू तोमर सस्पेंड, मध्य प्रदेश का है मामला। पश्चिम बंगाल में आरएसएस कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या, गर्भवती पत्नी और 8 साल के बेटे को भी उतारा मौत के घाट, राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। दशहरे का मेला देखकर लौट रही नाबालिग और उसकी मामी से गैंगरेप, बचाने गई बहन को बदमाशों ने मारी गोली, बिहार सुपौल जिले की है घटना। बलात्कार के आरोपी चिन्मयानंद के बचाव में आए संतों का शीर्ष संगठन, अखाड़ा परिषद ने लड़की पर कड़ी कार्रवाई की मांग। खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर गिरफ्तार, झांसी इनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस का किया था विरोध। एकतरफा प्यार में महिला अफसर के पति को फंसाने की कोशिश, विदेश मंत्रालय में तैनात सीनियर सीआईएसएफ कमांडेंट गिरफ्तार। मशीनगन के साथ फेसबुक पोस्ट पर दिखा त्रिपुरा के सीएम का नाबालिग बेटा, कांग्रेस ने की जांच की मांग। आरसीईपी समझौते को लेकर बीजेपी और आरएसएस में टकराव, संघ के संगठन की प्रदर्शन की धमकी। पिछले महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने खर्च किए थे 217.60 करोड़ रुपए, विरोधियों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा थी रकम। सुबह में बदल सकता है मौसम का मिजाज, हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।